आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन की हुई है आपने, मान लीजिए आपके पास ये कॉलम है या बीम है, कुछ भी है, तो अगर आप इसकी क्वांटिटी निकालना चाहते हो कि इसमें कितना सीमेंट यूज़ हुआ, कितना फाइन एग्रीगेट यूज़ हुआ और कितना कोर्स एग्रीगेट यूज़ हुआ, तो वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो साइज यो है वो है 400 बाय 400 बाय 2000 mm। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, 0.4 मीटर बाय 0.4 मीटर, देन 2 मीटर इसकी लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट, और इसकी हमने रेशो दी हुई है 1:2:4, मीन्स इसमें जो वन पार्ट है वो सीमेंट यूज़ होगा और उसका डबल पार्ट जो है वो फाइन एग्रीगेट यूज़ होगा, और इसका 4 टाइम पार्ट है जो वो होगा कोर्स एग्रीगेट यूज़। अब यहाँ पे देख सकते हो कंक्रीट मिक्सचर होता है सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट्स का और कोर्स एग्रीगेट का, इसमें वाटर ऐड करते हैं इसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए, इसको मिक्स करने के लिए। तो आपके पास अगर मटेरियल है, अगर आप इतनी कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इससे 54% ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि अगर आप इसको वाटर ऐड करोगे तो इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसकी वॉल्यूम है, वो कम कवर करेगा वाटर ऐड करने से। आपको इसको मान लीजिए अगर आप 1 क्यूबिक यूज़ करना चाहते हो, आपका 1 क्यूबिक मटेरियल है, आप 1 क्यूबिक यूज़ करना चाहते हो, तो आपको 54% मोर लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर आप 1 क्यूबिक में वाटर ऐड करोगे तो वो कम क्वांटिटी कवर करेगा, इतनी कवर करेगा वो। आप अगर इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी कवर करेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर साइज़ आपने देख लिया इसका साइज़ क्या है और इसमें कितनी रेशो यूज़ कर रहे हैं हम, आपको ये मालूम है। तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम निकालेंगे वेट वॉल्यूम, इसकी वेट वॉल्यूम निकालेंगे हम, वो होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स जो इसकी वॉल्यूम है टोटल, इन सभी को हमने मल्टीप्लाई किया, हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया और इसकी वॉल्यूम निकाली। आप देख सकते हो यहाँ पे 0.32 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। तो ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पर वेट निकाला, ये हमारा वेट पार्ट था ना, इसका हम ड्राई निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्राई निकालने के 54% ज़्यादा लेंगे, मीन्स 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही किया, 0.32 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.54 से। ठीक है, तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है वो कितना है, 0.493 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में हम निकालेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, मींस इसमें सीमेंट कितना यूज़ होगा, कितना फाइन एग्रीगेट यूज़ होगा और कितना कोर्स एग्रीगेट यूज़ होगा। तो अब हम वो निकालने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रेशो, वो हमारे पास है 1:2:4, तो हमने इनको ऐड किया, 1 + 2 + 4 = 7। ठीक है, तो सीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम है ना इसकी, उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1/7। अब ये 1/7 क्या है, 1 क्या है, ये 1 पार्ट है किसका, टोटल इसका कितना है 7, इसका 1 पार्ट है, इसलिए हमने 1/7 किया हुआ है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ गई 0.070 मीटर क्यूब। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ बैग यूज़ होंगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको 28.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 2.02 नंबर्स, मीन्स इसमें टू नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग यूज़ होंगे। अब आप बोलोगे कि ये 28.8 क्या है, अगर आप वन क्यूमिक में जानना चाहते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ बैग यूज़ होंगे, तो ये होंगे 28.8, इतने नंबर ऑफ बैग्स यूज़ होंगे, ये आपको याद रखना है। अगर आप इसका डेरिवेशन चाहते हो तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी। तो आप देख सकते हो ये 2 यूज़ होंगे इसमें, अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन करनी है ना, तो इसमें 2 नंबर ऑफ बैग यूज़ होंगे सीमेंट के। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइन एग्रीगेट्स। फाइन एग्रीगेट्स क्या है, इसको आपको मालूम है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप 1 पार्ट अगर सीमेंट यूज़ कर रहे हो, तो उसका डबल पार्ट आप क्या यूज़ करोगे, फाइन एग्रीगेट, और उसके 4 टाइम पार्ट आप क्या यूज़ करोगे, कोर्स एग्रीगेट। तो यही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने जो हमारी सीमेंट की वॉल्यूम है ना, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रे पास इतनी वैल्यू आ गई, देन उसके बाद हम कोर्स एग्रीगेट निकालेंगे, तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इतनी वैल्यू आ गई।